नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार बंद की पूर्व संध्या पर राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, एनआरसी और सीएए को बताया संविधान के खिलाफ। बंद के दौरान भागलपुर में सुरक्षा के रहेंगे व्यापक इंतजाम, चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस जवान रहेंगे तैनात। गांव के युवक ने लड़की की खींची अश्लील तस्वीर, पीड़िता ने डीआईजी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। जल जीवन हरियाली को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक। और चंपानगर में जुलूस के दौरान हुए पथराव को लेकर नाथनगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक, घटना को बताया शर्मनाक। अब समाचार विस्तार से। बिहार बंद की पूर्व संध्या पर राजद और कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में घंटाघर चौक से मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नए कानून को वापस लेने की मांग की और सरकार विरोधी नारे लगाए। मशाल जुलूस घंटाघर चौक से निकलकर खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, सूजागंज बाजार होते हुए स्टेशन चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेसियों ने शनिवार को होने वाले बिहार बंद का पूर्ण समर्थन देने की बात कही। नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि शनिवार को होने वाला बिहार बंद ऐतिहासिक रहेगा। प्रखंड से लेकर जिला एवं प्रदेश के नेता बंद के दौरान सड़क पर रहेंगे। धर्म के लोगों को समान अधिकार है, यह जो कानून लाया गया है इससे देश को बांट दिया गया, इस कानून को वापस ले। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार बंद की पूर्व संध्या पर भागलपुर स्टेशन चौक से होते हुए भगत सिंह चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। राजद जिलाध्यक्ष डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद जिलाध्यक्ष ने कहा कि बंद के दौरान आकस्मिक सेवा बाधित नहीं की जाएगी और कार्यकर्ता शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ राजद ने शनिवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। राज्यव्यापी बंदी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पिछले कई दिनों से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। शुक्रवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शांतिपूर्ण बंदी की बात कही। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है और मुख्यमंत्री जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। साथ ही बिहार बंदी से पहले तेजस्वी ने कहा कि पुलिस ने बंद समर्थकों पर डंडा बरसाया तो अंजाम बुरा होगा। ये बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो उन्हीं के पार्टी के लोग यानी भड़का रहे थे, ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा। देखिए नीतीश कुमार जी तो अभी और रोएंगे, अभी तो चीख चीख करके रोने वाले हैं। अब बिहार की जनता अनाड़ी नहीं है जो इनके जालसाजी में फंसने का काम करेगी। आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने ऐलान किया है 21 तारीख को बंद करने का। राष्ट्रीय जनता दल जो थी वो पहली पार्टी थी राज्यसभा में टेबल होने से पहले हम लोग जो है जेपी कोलंबर पे बैठने का काम किया, इसका विरोध किया। उसके बाद हम लोगों ने ऐलान किया 21 तारीख को। हम सरकार के लोगों को चेता देना चाहते हैं कि अगर कहीं डंडे बरसाने का काम किया, हम लोग शांति प्रिय ढंग से जो है बिहार बंद करने का काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी द्वारा भी निर्देशित कर दिया गया है। भागलपुर में राजद के महानगर सचिव सैयद रागिब हसन ने दावा किया कि राज्यव्यापी बंदी पूरी तरह सफल रहेगी। सैयद रागिब ने एनआरसी और सीएए को नागरिकता अधिकार का हनन बताया और आम जनता से एकजुट होने की बात कही। देखिए 2014 में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने एक रैली बुलाया था, भाजपा भगाओ और देश बचाओ। ये वो वही बात आज चल रहा है। देश पूरी तरीके से एनआरसी और सीएए बिल को लेकर पूरी तरीके से जल रहा है, हर जगह अशांति फैला हुआ है और इसी को लेकर ये बिल पूरी तरीके से काला कानून जिसको कहा जाता है, ये काला कानून है, इसको जबरदस्ती थोपा जा रहा है देश के नागरिक पर। इसी के लिए हम लोगों ने 21 दिसंबर को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बंद का आह्वान किया है। पूर्व घोषित बिहार बंद को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर में 40 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों की हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। एसडीओ आशीष नारायण ने बताया कि बिहार बंद को देखते हुए सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
हम आपको बता दें कि एनआरसी और सीएए को लेकर राजद की ओर से 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कांग्रेस सहित कई क्षेत्रीय पार्टी ने अपना समर्थन देने की बात कही है। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के माछीपुर इंग्लिश निवासी 19 वर्षीय युवती अपने पिता मोहम्मद फारूक के साथ शुक्रवार को अपनी फरियाद लेकर डीआईजी विकास वैभव के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने गांव के ही मोहम्मद बबलू पर अश्लील तस्वीर खींचकर ब्लैकमेल करने की शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि 11 दिसंबर की शाम वह अपने खाला से मिलने जा रही थी, इसी दौरान बबलू ने उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसे सुनसान जगह ले गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसकी नग्न तस्वीर को मोबाइल से खींच लिया गया। पीड़िता ने कहा कि बबलू गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा है और नहीं मानने पर उसकी तस्वीर को वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने डीआईजी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वो कहता है कि मुझसे जबरदस्ती शादी करो नहीं तो तुम्हारा फोटो वायरल कर देंगे। और पिछले कव्वाली के दिन है ना आ रही थी ना फूफी जान, तो जबरदस्ती उसने खींच के लेके गली के पास चला गया, मुँह दबा दिया और कपड़ा खोल दिया, तो उतने में पापा ने देखा तो खींच के लाया और वो लोग सवेरे घर पे मार करने के लिए चले आए डंडा बना लेके। तो फिर सुबह पापा ने भागलपुर आ गया था, तो उतने में देखा ना तो यहाँ मम्मी ने फ़ोन किया कि मार करने के लिए आया, फिर शाम में मार करने के लिए आया था और ज़बरदस्ती कहता शादी करो नहीं तो मार देंगे जान से। यही है कि ये जो शादी का मामला था ना उससे बबलू से तो सब रफा दफा हो गया था कि आप कहूँ भी कर सकते हैं शादी ब्याह। फिर एक महीना कवल दिल्ली से आके मेरी लड़की के साथ छेड़खानी और गंदा गंदा फोटो वायरल करता है, धमकी देता है कि अगर नहीं शादी कीजिएगा तो हम पूरे दुनिया में दिखा देंगे और तुम्हारे पिता को भी मारेंगे, मम्मी पापा सबको मारेंगे। जल जीवन हरियाली को लेकर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा विभाग द्वारा जागरूकता रथ निकाला गया। डीआरडीए परिसर में डीएम प्रणब कुमार, डीडीसी सुनील कुमार, डीईओ मधुसूदन पासवान और डीपीआरओ बिंदुसार मंडल ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पूर्व समाहरणालय परिसर में कलाकारों के द्वारा जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति एवं बाल विवाह व दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर नुक्कड़ नाटक एवं गीत के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। डीएम ने कहा कि यह प्रचार रथ जिले के सभी गाँव में घूम घूम कर आम लोगों को जल बचाने एवं पौधे की रक्षा करने के लिए जागरूक करेगा। मौके पर शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के चंपा नगर में शुक्रवार को एनआरसी और सीएए को लेकर जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प और पत्थरबाजी को लेकर शुक्रवार को नाथनगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने की। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रबुद्ध लोगों ने घटना की निंदा की, साथ ही इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो इसको लेकर प्रशासन को आश्वस्त किया। वहीं पथराव की घटना को लेकर गुरुवार को नाथनगर थाना में दोनों पक्षों के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था, जिस पर शांति समिति की बैठक में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई। बैठक में इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन, ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश चौधरी, पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, नीलम देवी, भावेश यादव, निजात अंसारी, अशफाक अंसारी, सिकंदर अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। कल जो घटना घटी तो उस तनाव के मद्देनज़र आज शांति समिति की बैठक की गई। वहाँ के जो सभी प्रभावशाली लोग हैं, जो हमारी शांति समिति के लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं, जिसमें वार्ड कमिश्नर लोग शामिल थे, पूर्व वार्ड कमिश्नर थे, सारे लोगों को बुलाया गया और एक कमेटी बनाई गई है 10 लोगों की। सर्वसम्मति से इस कमेटी में निर्णय हुआ, ये जो 10 सदस्यीय कमेटी है ये दोनों मोहल्लों में जाएगी, ताती बाज़ार में भी, चंपा नगर में भी, कस्बा में भी और मिर्गियाचक में भी। ये कमेटी निगरानी रखेगी कि जो छोटे मोटे विवाद बड़ा रूप पकड़ लेता है वो ना हो। जैसे पिछली अगर बात को देखें हम लोग, तो अगर ज़बरदस्ती दुकान नहीं बंद कराया जाता तो ये बात नहीं बढ़ती। तो चौक चौराहे पर आने वाले समय में और भी जुलूस वगैरह निकलने हैं, कोई गलतफहमी ना पैदा हो, कोई झंझट ना पैदा हो, कोई कानून ना तोड़े, और अगर ऐसा हो तो ये कमेटी ये भी तय करेगी, ये बताएगी प्रशासन को कि ये लोग हैं जिन्होंने कि कानून तोड़ा है। इसलिए कमेटी बनाई गई है शांति समिति के द्वारा और मैं समझता हूँ कि बेहतर ढंग से काम करेगी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो पीछे रह जाते हैं और जो असामाजिक तत्व आगे बढ़ करके समाज को जो गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, समाज को जलाने का प्रयास करता है, तो आज जो है डीएसपी साहब के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि समाज के अच्छे लोग सामने आएंगे
और जो है जो असामाजिक तत्व है उसके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। और अगर उसके उस दरमियान जो समाज के अच्छे लोगों को कुछ अगर ताकत भी प्रयोग करना पड़ेगा तो हम उनको मदद करेंगे, जिससे कि असामाजिक तत्व परेशान मतलब जो है इस तरह की हरकत करने से बाज आए। और दोनों तरफ से साथ साथ आठ आठ लोगों की कमेटी बनी हुई है, ये लोग अपने अपने समुदाय के लोगों में जा करके इस बात को बोलेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी रिसेप्शन पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलकामांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलकामांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने भागलपुर जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है। लगातार दूसरी बार रोहित पांडे को जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। वहीं रोहित पांडे को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बूढ़ानाथ मंदिर बचाओ समिति की ओर से शुक्रवार को भागलपुर पनमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना पर बैठे समिति के सदस्यों और भक्तों ने जिला प्रशासन से बूढ़ानाथ मंदिर प्रबंधन कमेटी की गठन करने और मंदिर परिसर में डिज्नीलैंड मेला लगाने पर रोक लगाने की मांग की। मंदिर बचाओ समिति के मुकेश यादव ने कहा कि मंदिर परिसर में कुछ लोग मनमानी करते हैं और मंदिर के जर्जर हो चुके धर्मशाला और इसकी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं कई भक्तों ने मंदिर में सरकारी राशि से बने धर्मशाला को आम भक्तों को निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही। समिति के महामंत्री पंकज झा ने मंदिर के आय व्यय को सार्वजनिक करने की मांग की। धरना पर बैठे लोगों ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर पंडित अनिल झा, डॉक्टर पवन, पूनम सिंह, पवन झा समेत कई लोग मौजूद थे। हम लोग भागलपुर के सड़क धरने पर बैठे हैं। कमेटी नहीं रहने के कारण मंदिर में मनमानी तानाशाही लूट खसोट जारी। ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर का धर्मशाला आज जर्जर होकर गिरने के कगार पर। मंदिर के पीछे 20 साल से रंगाई पुताई नहीं हुई है। मंदिर में परिवार को रखा जाता है। सरकारी पैसे से बने धर्मशाला जो आम गरीब भक्तजन को फ्री में मिलना चाहिए, 13,000 रुपया वसूला जाता है। लोगों का मांग है बूढ़ानाथ में प्रबंधन कमेटी का गठन हो। वहाँ कमेटी नहीं रहने के कारण व्यवस्था अदुरुस्त है। दुरुस्त करने के लिए हम लोग पूरा बूढ़ानाथ समाज चाहते हैं कि प्रबंधन का कमेटी का गठन हो और आय व्यय लेखा जोखा सार्वजनिक हो। इतने बड़े मंदिर का आय व्यय का लेखा जोखा नहीं हो रहा है। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में शुक्रवार को अर्थशास्त्र विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अमित कुमार, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तबस्सुम प्रवीण एवं अन्य अतिथियों को छात्राओं ने पौधा भेंट कर किया।
वर्कशॉप में 21वीं सदी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती पर विशेषज्ञों ने विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना ठाकुर ने कहा कि आज के समय में पढ़े लिखे लोग दूसरों के कविता रिसर्च की चोरी कर अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं, जो कानूनन जुर्म है। उन्होंने कहा कि इसके महत्व को देखते हुए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कॉलेज के शिक्षक समेत काफी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। आज हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन 21st सेंचुरी। अभी इसकी बहुत आवश्यकता है, अपने आप में ये एक ज्वलंत विषय है कि आए दिन देखा जाता है कि पेटेंट किसी का चोरी करके अपने नाम उसका करता है। ये बात विभिन्न तरह के पौधों ये सब में तो है ही, इंटेलेक्चुअल लेवल में भी ऐसा देखा गया है कि कविता मेरी आप अपने नाम पर छाप लेते हैं, इससे मेरा थीसिस का पेपर्स मेरा वो अपने नाम पर लोग कर लेते हैं, उसमें से बहुत सारी बातें निकाल के अपने थीसिस में डाल लेते हैं। इस पर अभी जब हमारे संघीय भाई संस्था नवीन कांत झा जी थे, उन्होंने इस पर बड़ा जबरदस्त रोक लगाया था, और इसके लिए एक मिसाल आता है जिसमें डालते ही ये दिख जाता है कि क्या इसका रिपीटेशन भी हुआ है। भागलपुर के गोराडी में तालाब में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान सोनूडी निवासी पप्पू मंडल के पुत्र गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह मृतक शौच के लिए सोनूडी गांव स्थित चटपटी पोखर गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची गोराडी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में प्रतिक्रिया तेज हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बुद्धिजीवी वर्ग भी इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। एनआरसी को लेकर भागलपुर के वरीय अधिवक्ता मोहम्मद सारिफ मंजूर ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और एक्ट को दरकिनार करते हुए नया कानून पास किया गया है। एनआरसी और सीएए दोनों जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हिट कर रहा है। ये आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को हिट करता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 15 है, और जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात को रोकता है, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को का जो हमको आर्टिकल 19 में अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का जो 21 में है आर्टिकल में, तो इन तमाम सेक्शन तमाम आर्टिकल को ये जो है एनआरसी और सीएए रोकता। वहीं अधिवक्ता मोहम्मद साहिद मंजूर ने बताया कि सीएए के आने के बाद देश के हालात बिगड़ रहे हैं। अधिवक्ताओं ने एनआरसी और सीएए को मोदी सरकार की सोची समझी राजनीति बताते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए खतरा बताया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यह पर्सन का जिक्र है, नॉट सिटीजन का है। हर पर्सन के लिए बात हो रही है, चाहे वो सिटीजन हो, आइदर ही सिटीजन और नॉट। लेकिन ये कानून जो बना है वो यहाँ के सिटीजनशिप को भी खतरे में डाल रहा है। मेरे समझ से ये कैसा कानून है जो कि बाहर के लोगों को ला करके उसको सिटीजनशिप दी जा रही है और यहाँ के लोगों से सिटीजनशिप छीनी जा रही है। नाथनगर स्थित रामनंदी हिंदू देवी अनाथालय का 94वां स्थापना दिवस अनाथालय परिसर में शुक्रवार को मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनाथालय के समस्त सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर तथा रामनंद देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में अनाथालय के बच्चों द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर नाटक मंचन, काव्य पाठन एवं गायन की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर अनाथालय के अध्यक्ष संजय कुमार झा द्वारा अनाथालय की वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। मौके पर संस्था के सचिव सरजानंद मिश्र, अध्यक्ष संजय कुमार झा, कोऑर्डिनेटर कुमारी अनुश्री कुंदन, दीपराज समेत कई सदस्य मौजूद थे। दिसंबर को स्थापना दिवस 20 दिसंबर 1925 को हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 94वां वार्षिक स्थापना दिवस मना रहे हैं। छोटे बच्चे का एक जन्मदिन मनाया गया, लघु नाटक किया गया, छोटी बच्ची द्वारा अनुश्री के नेतृत्व में वो कविता पाठ की गई। आज हम लोग रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय का 94वां
वर्षगांठ बना रहे हैं, जिसमें कि बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के नाटक, काव्य पाठन इत्यादि किया गया, बच्चों की जन्मदिन मनाया गया, जिससे कि हर बच्चा इसमें अपना जन्मदिन एक ही बार हम लोग यहाँ के बच्चे जो आवासित बच्चे उनका जन्मदिन मनाते हैं काफ़ी हर्षोल्लास का। और सबसे अच्छी बात आज जो है कि आज हम अपने रामानंदी देवी हिंदू नाथालय का वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि रामानंदी देवी हिंदू नाथालय .com के नाम से आप जब भी सर्च करोगे तो ये आपके सामने यहाँ की जितनी भी अब तक की गतिविधियों को आप देख सकोगे। अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार बंद की पूर्व संध्या पर राजद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, एनआरसी और सीएए को बताया संविधान के खिलाफ। बंद के दौरान भागलपुर में सुरक्षा के रहेंगे व्यापक इंतजाम, चप्पे चप्पे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस जवान रहेंगे तैनात। गांव के युवक ने लड़की की खींची अश्लील तस्वीर, पीड़िता ने डीआईजी को आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। जल जीवन हरियाली को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक। और चंपानगर में जुलूस के दौरान हुए पथराव को लेकर नाथनगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक, घटना को बताया शर्मनाक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।